अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सितंबर 1 से लेकर सितंबर 5 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और आपका पहला जो करंट अफेयर है, व्हेन इज वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड। हर साल दुनिया में कोकोनट डे किस डेट को मनाया जाता है, जिसका करेक्ट आंसर है 2 सितंबर को। और इम्पोर्टेंट डेट पे अगर देखें तो एवरी ईयर वर्ल्ड कोकोनट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 2 इन मेजर कोकोनट प्रोडक्शन कंट्रीज। 2 सितंबर को कोकोनट डे मनाया जाता है, खासतौर पे उन ममालिक में जहाँ में सबसे ज़्यादा कोकोनट की प्रोडक्शन होती है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी दिस स्पेशल डे वाज इनिशिएटेड। इस दिन को जो स्टार्ट किया है वो किया है एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है, जकार्ता में मौजूद है। आपका अगला जो करंट अफेयर्स है, हु हैज बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्लेयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। पहली ट्रांसजेंडर प्लेयर जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में वो कौन सा है, जिसका करेक्ट आंसर है डेनिली मिके। ये कौन है, तो इंपॉर्टेंट नोट में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो है ये मिके बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्लेयर टू अपियर इन एन ऑफिशियल इंटरनेशनल मैच। जो ऑफिशियल इंटरनेशनल मैच हुआ है, ये पहली मरतबा अपियर हुए हैं। और ये ICC T20 अमेरिकन क्वालिफायर फॉर नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप के लिए, ये अमेरिका की तरफ से टीम में जो ICC T20 का वर्ल्ड कप होगा उसमें पार्टिसिपेंट भी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ सैयद अली गिलानी वॉज ऑब्जर्व ऑन। दूसरी जो डेथ एनिवर्सरी है सैयद अली गिलानी की, वो किस डेट को मनाई गई है, जिसका करेक्ट आंसर है सेप्टेम्बर 1 2023 को। तो रसन चेक कर लेते हैं, तो सैयद अली गिलानी इम्प्रेस मेट्रोम इन कस्टडी ऑफ इंडियन पुलिस ऑन सेप्टेम्बर 1 2021। 1 सितंबर 2021 को इंडियन पुलिस की कस्टडी के अंदर इनकी शहादत हुई है। और ये कहाँ पे, हेड्रोपोरा रेजिडेंस में इनकी शहादत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चंद्रयान 3 मिशन हैज कंफर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट ऑन द मून सरफेस। चंद्रयान 3 जो इंडिया का एक मिशन भेजा गया चांद पे, तो वहाँ पे जो चांद की सरफेस पे कौन सा एलिमेंट की प्रेजेंस उसने कंफर्म कर दी है, तो इसका करेक्ट आंसर था सल्फर की। और ये इसका इम्पोर्टेंट नोट में देखते हैं, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको SRO ऑन ट्यूजडे इवनिंग अनाउंस दैट द पेलोड आर इंस्ट्रूमेंट अब्रॉड द प्रेगन रोवर ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन हैज कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO ने ट्यूजडे को इवनिंग में अनाउंस कर दिया कि चंद्रयान 3 जो मिशन भेजा गया है उसने कंफर्म कर दिया कि वहां पे प्रेजेंस है सल्फर की। आपका नेक्स्ट जो है, हु प्रपोज्ड द 10 पॉइंट पीस फार्मूला टू रिसॉल्व द यूक्रेन रशिया वार। किसने प्रपोज किया यूक्रेन और रशिया की वार में जो 10 पॉइंट पीस फार्मूला, तो इसका करेक्ट आंसर है यूक्रेन के सदर प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। इन्होंने ये प्रेजेंट किया है, जिसमें आपको बताया जाए कि पहले रशिया ने जो है ये रिजेक्ट भी कर दिया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में जहाँ पे चेक कर लेते हैं, ज़ेलेंस्की फर्स्ट अनाउंस्ड हिज पीस फार्मूला एट नवंबर समिट ऑफ ग्रुप 20, जो G20 का समिट हुआ है नवंबर का, उसमें उन्होंने ये पहली मरतबा अनाउंस किया था फॉर की ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक की के लिए, कि इस तरह जंग भी ख़त्म हो जाएगी और पूरे वर्ल्ड के लिए। और इन्होंने यूक्रेन रशिया वार के लिए भी 10 पॉइंट, जिसको रशिया ने रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री लॉन्च फर्स्ट इस्लामिक बैंकिंग पायलट प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम। किस मुल्क ने अपने अंदर इस्लामिक बैंकिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है रशिया ने। और रशिया ने कैसे किया, रशिया लॉन्च इस्लामिक बैंकिंग पायलट प्रोग्राम एक्सप्लोरिंग शरिया बेस्ड फाइनेंस। इस्लामी जो बेस के फाइनेंस जो है उसको एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने अपने मुल्क में जो ये लॉन्च किया है, रशिया इनॉग्रेटल इस्लामिक बैंकिंग पायलट प्रोग्राम लॉन्चिंग ऑन सितंबर 1 सितंबर को 2023 को इन्होंने लॉन्च किया है टू हरास द पोटेंशियल ऑफ शरी बेस्ड फाइनेंस। तो ये रशिया ने किया है अपनी इकोनॉमिक को शरी बेस पे ला के इसको बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, When is the International Day of Charity celebrated? International Day of Charity का
दिन जो हर साल किस डेट को मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सितंबर 5th को मनाया जाता है। और इंपॉर्टेंट नोट में चेक करते हैं, एवरी ईयर ऑन सितंबर 5th द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वाइड। दुनिया में चैरिटी का दिन हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। दिस डे सर्व एज द रिमाइंडर ऑफ द पावर ऑफ कलेक्टिव गिविंग एंड एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैशन एंड सॉलिडरिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। ये इसलिए मनाया जाता है कि हर साल एक दिन हो जहाँ पे बताया जाए कि आप लोग जो गरीब और जो गिविंग जो कलेक्ट करते हैं की जाए और इन गरीब की मदद की जाए, तो इसके लिए इसको रिमाइंडर करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बिकम द फर्स्ट वोमेन SSP इन बलूचिस्तान। पहली जो खातून SSP हुई है बलूचिस्तान, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है सर फरियाल फरीद, उनका नाम है। और इंपॉर्टेंट नोट में देखते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा अ फीमेल पुलिस ऑफिसर टोक अ चार्ज एज अ सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। जिन्होंने पहली ये खातून बलूचिस्तान की हिस्ट्री में है जिन्होंने SSP का चार्ज संभाला है इन जाफराबाद, जिला जाफराबाद है बलूचिस्तान के जिला में, वहां पे इन्होंने चार्ज संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविंस इंट्रोड्यूस द ई ड्राइविंग लाइसेंस फैसिलिटी इन पाकिस्तान। किस सूबे ने जो ई ड्राइविंग लाइसेंस फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है? तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब में। और द पंजाब पुलिस हैज लॉन्च एन ई ड्राइविंग लाइसेंस फैसिलिटी अक्रॉस द प्रोविंस। पूरे सूबे में इन्होंने ई ड्राइविंग लाइसेंस की फैसिलिटी जो लॉन्च की है, अलाउइंग सिटीजन टू गेट अ डिजिटल कॉपी ऑफ देयर ड्राइविंग लाइसेंस यूजिंग द ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये वेबसाइट इन्होंने बताई है जिसको DLMIS, वहाँ पे आप लोग इसका ई ड्राइविंग लाइसेंस जो है अपना जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who has become the first player to score 850 official goals in football history? पहले फुटबॉल प्लेयर कौन से हैं जिन्होंने ऑफिशियल 850 गोल सबसे ज़्यादा स्कोर किए हैं? तो उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो स्कोर हिज 850th गोल ऑफ हिज करियर। अपनी करियर का जो 850वां गोल किया है वो क्लब और कंट्रीज को मिला के इन अल नसर में किया है, जो कि इन्होंने विन किया है 5-1 से, which was also his 26th goal for the club। और जो अल नसर क्लब है उसके लिए 30 गेम में से 26 गोल स्कोर किया, और अगर 27 उन्होंने रियल मैड्रिड इन फर्स्ट 30 गेम, पहली 30 गेम में 27 गोल रियल मैड्रिड के लिए भी उन्होंने स्कोर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द G20 समिट 2023 इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन सेप्टेम्बर 9th एंड 10th इन। जो G20 समिट 2023 का होने वाला है 9th और 10th सितंबर को, कहाँ पे? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली, जो कि इंडिया का दारुल हुकूमत है, वहाँ पे होगा। द मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ G20 समिट 2023, मिनिस्टर मीटिंग है G20 समिट की, और ये होगा मंदाप इंटरनेशनल एग्जामिनेशन कन्वेंशन सेंटर, जिसको IECC, वहाँ पे ये इसका इनेकाद होगा भारत में। और G20 समिट 2023 न्यू दिल्ली इज शेड्यूल्ड ऑन 9 and 10 September 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स 2023 विल बी हेल्ड इन सऊदी अरेबिया फ्रॉम। ये जो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है सऊदी अरेबिया में, ये कब हो रही है? तो ये सितंबर 4 से लेके 17 सितंबर को होगी। और द वर्ल्ड बेस्ट लिफ्टर आर गैदर इन रियाद, और ये रियाद सऊदी अरेबिया में होगी फॉर 2023। IWF वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप टेक प्लेस 4-17 सितंबर को होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसिव प्रोटेस्ट erupted in Gilgit Baltistan against which controversial bill passed by parliament। कौन सा बिल पास हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में जिसकी वजह से एक बहुत गेमी हुई है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े? तो इसका करेक्ट आंसर नमू से सहाबा बिल हुआ है। और इसका चेक कर लेते हैं सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट किस वजह से हो रहे हैं। मैसिव प्रोटेस्ट ये हुआ है ब्रोकन आउट इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान ओवर द अरेस्ट ऑफ शिया क्लेरिक, जो शिया के एक आगा हैं जिनका नाम है आगा बाकिर अल हुसैनी, जिनको गिरफ्तार किया गया और उनके वारंट जो हैं वो जारी किए गए, तो जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जो है काफ़ी शिदत में आ गया और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये गिलगित बल्तिस्तान में फैल गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ये और अगला जो नेक्रोस्टन और ये जो आपके साथ शेयर किए गए काफी मेहनत के बाद शेयर किए गए। अगर आप लोगों को इस तरह के मजीद चाहिए तो सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने कमेंट में जरूर बताएं कि इस तरह के करंट अफेयर आपको कैसे लगे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।